Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Bismillahirrahmanirrahim. Listeners, you are receiving FM 106 Hyderabad. It's me, Danish Mehdi. Program on air hai, Infertility and Preeclampsia. Program is sponsored by Veric Pharmaceuticals. Aur aaj aap tak bahut sare messages pahunchane ke liye, aapke ilm mein izafa karne ke liye, aaj hamare saath maujood rahengi Professor Dr. Professor Rahil Sikandar Sahiba. आप MBBS भी हैं, आप FCPS भी हैं, आप प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी हैं एंड ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं. इट मींस कि आज आपसे जो गुफ्तगू होगी, मैडम से जो गुफ्तगू होगी, लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. आज का सब्जेक्ट यकीनी तौर पर जब आप सुनते रहेंगे, सवाल और जवाब होते रहेंगे, तो आप को यकीनन बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि जितनी आगाही, जितना इल्म में इजाफा होता है, उतने हमारे प्रॉब्लम्स या बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह कम या खत्म हो जाती हैं. तो डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन. मैडम, आज प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल, और आज आपका जो स्माइलिंग फेस है, सबसे पहला तो हमारा सब्जेक्ट वही और हमारी गुफ्तगू भी वही होनी चाहिए कि चाहे प्रॉब्लम कितनी ही हो, उसको बेहतर हो जाएंगे ये सोच के जरा हौसले रखने चाहिए. Am I right? Yes, very right. डॉक्टर का तो वैसे भी ऐसे ही होना चाहिए, तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है मरीज की. सही बात है, इसी तरह से होता है. मैडम, प्रोफेसर डॉक्टर राहील सिकंदर साहिबा, आज का सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी एंड प्रीएक्लैम्प्सिया. तो अब हम अगर आपसे अपनी आवाम के लिए, हमारे अपने लिए, अगर हम अपनी नॉलेज इम्प्रूव करना चाहें और हम सवाल करें कि आखिर प्री एक्लेम्सिया क्या है और इसकी अलामत क्या है. जी बिल्कुल. तो प्री एक्लेम्सिया जो है, एक बात तो ये कि ये प्रेगनेंसी की बीमारी है. जो प्रेग्नेंट नहीं, उसे प्री एक्लेम्सिया नहीं होता. ठीक है, तो इसका अभी तक कोई समझ तो नहीं आया कि असल वजह क्या है, लेकिन वजह इसकी प्रेगनेंसी में जो बच्चे और माँ का एक यूनिट बनता है प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा में ही कुछ डिफॉल्ट्स हो जाते हैं, जिस वजह से फिर मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से उनके गुर्दों पे असर होता है और पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है. तो ये पहली अलामत होती है. फिर अगर सडनली किसी का वजन एकदम बढ़ जाए, ठीक ठाक प्रेगनेंसी जा रही है और एकदम से उनके फेस पे पफीनेस आ जाए, हाथ पैर सूज जाए, तो ये भी एक बड़ी कॉमन सी अलामत है कि इस खातून को प्रीएक्लेम्सिया हो रहा है. ब्लड प्रेशर की जो लेवल है वो 140/90, ये लेवल हमारी कट ऑफ होती है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 140/90 से बढ़ने लगे या इस तक भी आ जाए, तो हम उसको प्रीएक्लेम्सिया में कंसिडर करेंगे. ओके ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन को अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से दिखाते और चेक करवाते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम इसकी कॉम्प्लिकेशन रोक ही ऐसे सकते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक होता रहे ना. और देखिए, ये इतनी सिंपल सी छोटी सी चीज़ है कि ये एक सिंपल बेसिक हेल्थ यूनिट का में बैठा हुआ सिर्फ MBBS पास डॉक्टर भी कर सकता है, लेकिन जब वो सिर्फ ब्लड प्रेशर देख के एक मरीज का उसका लिख लेता है ये, तो ये एक्चुअली उसकी जान बचाने की तरफ का पहला स्टेप होता है. तो डॉक्टर साहब बताइएगा फिर इसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर प्री एक्लेम्सिया में कोई प्रेग्नेंट लेडी जा सकती है. एक तो ये मैंने बताया कि ये होता ही जब होगा, जब प्रेगनेंसी होगी.
ठीक है। दूसरा ये शुरू होता है जब 5 महीने प्रेगनेंसी के गुजर जाएं, यानी 20 हफ्ते के बाद जो ब्लड प्रेशर होता है वो प्री एक्लेम्सिया होता है। अगर उससे पहले किसी को हो रहा हो तो ये हो सकता है कि वो पहले से ही हाइपरटेंसिव हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो और ये प्री एक्लेम्सिया में नहीं काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब होता किसके थ्रू है ये? तो क्योंकि जो पहला पहला बच्चा होता है उस पर बॉडी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है ना, ये जो पहले बच्चे में एक समझे एक फॉरेन प्रोटीन एक औरत की बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, तो उस वक्त का जो रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा 7 to 10% प्राइमी जो होती हैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज उनको होता है। दूसरा, इसके अलावा अगर उनकी एज कम हो, यानी जैसे टीन एज प्रेगनेंसी हो या 40 के बाद की जो प्रेगनेंसी हो, उनमें ये कॉमनली होगा। अगर उसको जो है ओबीज हो, मोटापा हो, उनमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर वो ऑलरेडी पहले से हाइपरटेंसिव हैं तो इस दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है प्री एक्लेम्सिया में। इसके अलावा अगर उन्हें शुगर हो, उनकी फैमिली में उनकी मदर या उनकी सिस्टर को किसी को ब्लड प्रेशर हुआ हो या प्री एक्लेम्सिया हुआ हो, तो इनमें भी 7% रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि वो पहला डॉक्टर जो इस मरीज को देखेगा, बल्कि एक प्रेग्नेंट लेडी को देखेगा, अगर वो ये नोट डाउन कर लेगा कि ये प्रॉब्लम मेरी इस पेशेंट के अंदर तो नहीं है, तो वो जल्दी पिक कर लेगा प्री एक्लेम्सिया को। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर रहील सिकंदर साहब, बात यह है कि अगर एक मरतबा ये हो जाए किसी बेबी को उस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी में, तो अब माँ और बच्चे के ऊपर इसके क्या मुजर असरात पड़ते हैं? जी, माँ और बच्चा दोनों ही अफेक्ट होते हैं ऐसे। हम प्री एक्लेम्सिया को डिवाइड कर लेते हैं दो किस्म में। एक होता है प्री एक्लेम्सिया विथ माइल्ड साइन, एक होता है प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर साइंस, ठीक है। तो अगर माइल्ड साइंस हैं, यानी कि सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और यूरिन में प्रोटीन आ रही है, लेकिन इसके साथ उनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, उनकी आंखों में वो तारे से चमकते हैं ऐसा नहीं हो रहा, उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, तो ये विद द माइल्ड साइन है। और इसमें अक्सर व बेशतर ये होता है कि माँ सेफली डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन रिस्क सिर्फ ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम भी इन्हें हो सकता है और हो सकता है ज़्यादा सीवियर हो। अगर उनको प्री एक्लेम्सिया विद द सीवियर साइन हो गया, तो न सिर्फ ये कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि ये एंड होगा जाके एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया का मतलब माँ को दौरे पड़ सकते हैं, माँ के किडनीज फेल हो सकते हैं, उनकी आंवल अपनी जगह से हट सकती है और उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है, इस वजह से बच्चे की भी डेथ हो सकती है और माँ की भी डेथ हो सकती है। माँ को स्ट्रोक हो सकता है, सीवीए हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से, तो ये सारे असरात तो माँ सफ़र करेगी अगर उसको पिक नहीं किया गया और उसको हमने सीवियर प्री एक्लेम्सिया होने दे दिया। तो बच्चे में ये होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से, बच्चे को खून नहीं पहुंच पाता, गिजा नहीं पहुंच पाती, तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और जब ग्रोथ रुकती है और ऐसी माँ किसी डॉक्टर के पास जाती है, वो ये देखता है कि इसको अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, तो जाहिर है हम फिर ये करते हैं कि उसकी प्री टर्म डिलीवरी करवा देते। तो अब ऐसा बच्चा जिसकी माँ को सीवियर ब्लड प्रेशर है, उसके यूट्रस के अंदर हालात ऐसे हैं कि बच्चा बढ़ नहीं रहा, तो हम प्री टर्म डिलीवर तो करा लेते हैं, लेकिन फिर प्री मेच्योरिटी के सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं उस बच्चे को, कि उसका बर्थ वेट कम होगा, उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा, उसको फीडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, तो ओवरऑल इस प्रेगनेंसी की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि इकॉनमी एक मेजर सब एस्पेक्ट होता है ना किसी भी हेल्थ केयर का, तो अगर ये सिंपल सा काम हो जाता कि बहुत शुरू में ब्लड प्रेशर देख लिया जाता, पिक कर लिया जाता, तो ये प्री एक्लेम्सिया जो डिटेक्ट हुआ था ये सीवियर ना बनता
और या एक्लेम्सिया ना होता तो हम इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, इन मुजर असरात को हम रोक सकते हैं। जी ओके लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको बताते चले कि यू आर रिसीविंग एफएम 100.6 हैदराबाद, प्रोग्राम ऑन एयर है। इनफर्टिलिटी एंड प्री एक्लेम्सिया प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स, और आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर राहिल सिकंदर साहिबा। आप एमबीबीएस हैं, एफसीपीएस हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, आप एलएमसीएच गोया एंड लम्स में होती हैं, और उसके अलावा भी आप अपनी प्रैक्टिस में अपने मरीजों का खास ख्याल रख रही होती हैं। आज जो मैडम से गुफ्तगू हो रही है, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही है, वो आप ध्यान से सुन रहे हैं और आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक्लेम्सिया की बात हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उसकी एहतियात इंतहाई ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि आमतौर पर कुछ लोग प्रेगनेंसी को भी जरा सा लाइट ले रहे होते हैं, अपने तौर पे डील कर रहे होते हैं, बहुत आखिर में जाके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी भी कंसल्टेंट से पहले दिन से ही, पहले वीक से ही इन कॉन्टेक्ट रहना चाहिए, इसको आसान नहीं लेना चाहिए। इसमें मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगी कि देखें, जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आसान है ना, और खाना खाना भी बहुत आसान है। इसके अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आम तौर पे जो आम लोग हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से या पहले वीक से इतना ध्यान नहीं देते, आखिरी दिनों में जाके या मिड में जाके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो क्या ये तरीका सही है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए पहले दिन से? जी, मैं इसी बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि देखें, ये हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज हैं एक्चुअली ना, कि हमने किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी है। अब मसला ये रहा है कि हमारे मुल्क में औरत की सेहत जो है ना, उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है, स्पेशली हमारे रूरल साइड पर। तो लोग जो हैं उसमें, अगर औरत की सेहत को इम्पोर्टेंस दी जाए तो ये वाली बीमारियां जो हैं, बल्कि हम तो ये सजेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट होने से पहले ही दिखा दें कि एक कपल हेल्दी है तो फिर वो प्रेगनेंसी स्टार्ट करे, अगर वो हेल्दी नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, तो ये डॉक्टर उन्हें प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स में गाइड कर देता है कि देखें आप में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इस चीज़ की कमी है। हो सकता है वो कमी सिंपल किसी खाने के इंग्रेडिएंट की ही कमी हो, तो ये भी अगर हम लोगों एज अ नेशन अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो उसमें कोई भी पर्सन फैमिली स्टार्ट करने से पहले एक कंसल्टेशन डॉक्टर से कर ले, और हमारे वो डॉक्टर जो रूरल सेटिंग्स में बैठे हुए हैं वो भी इस चीज़ को सेंसिटिवली देखें कि शुक्र करें कि वो डॉक्टर हैं, उनके पास बहुत अच्छा तालीम है और वो ये तालीम के दरिया को मरीजों की तरफ बहा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दवाओं के बगैर भी ठीक हो सकती हैं जस्ट सिंपल गाइडेंस से। तो ये सेंसिटिविटी क्रिएट करना हमारे मुल्क में कि औरत को जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और वो ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेंट ही हो, सिंपल डॉक्टर के पास भी जाएं ज़रूर, और वो डॉक्टर इतना सिंसियर हो कि उन्हें सिंसियर एडवाइस दे। तो ये दो चीज़ें जब मिल जाएंगी कि पॉपुलेशन सेंसिटिव हो और डॉक्टर जेन्युइन हो, तो इंशाल्लाह हम इन चीजों की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं अपनी औरतों को। सही फरमा रही डॉक्टर साहब, आपका ये जुमला बहुत जबरदस्त है और बहुत जरूरी, हमारे लिसनर्स ने एंड व्यूअर्स ने सुना और समझा होगा कि इसको बहुत एहतियात से लेना चाहिए, और आपने कहा कि प्रेगनेंसी से पहले ही उन्हें गाइड करना चाहिए, कोच एंड काउंसिल करना चाहिए कि अब आप प्रेगनेंसी की तरफ जा सकती हैं, और अगर नहीं तो एहतियात करें, कुछ दिन इलाज करवा लें। बहुत जबरदस्त। फिर आपने एक और अच्छा जुमला कहा कि रूरल में खास तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन शहरों में जो रूरल माइंड मर्द हजरात रहते हैं वो भी एक तरह से शहर में तो होते हैं,
लेकिन वो रूरल लीग में रह रहे होते तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए और वो आज के बाद ध्यान रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर प्री एक्लेम्सिया हो जाए अब, यानी उससे किस तरह बचा जा सकता है एक मरतबा अगर सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाए प्लीज। अच्छा, सिम्टम्स से पहले भी मैं चाहूंगी कि मैं बता सकूं कि एक तो जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए थे कि मोटापा है, शुगर है, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रेग्नेंट होने से पहले भी देख सकते थे ना, तो अगर इनको कोई अपने को कंट्रोल करे तो उसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। फिर एक दफ़ा साइंस और सिम्टम्स अगर आ गए तो, क्योंकि पहला जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना था ना, तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट होगी वो तो ब्लड प्रेशर के लिए ही होगी, ठीक। उसके साथ साथ ये होता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जो कुव्वत मुदाफियत है अगेंस्ट ऐसे प्रॉब्लम्स के जो हो रहे हैं, जो डैमेज कर रहे हैं, उनकी उस मुदाफियत को इम्प्रूव कराया जा सके बॉडी में बाय नंबर वन एंटी हाइपरटेंसिव दी जाए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाए और उनको लाइफस्टाइल बताया जाए कि आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरह करो। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सॉल्ट बंद कर लो, तो नहीं, ये राइट एडवाइस नहीं है। सॉल्ट एक्स्ट्रा नहीं खाना, मगर नॉर्मल एडिक्वेट सॉल्ट लिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर का इलाज कराते रहें, जब भी 140 और 90 से बढ़ने लगे तो आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव ले सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं वो अभी प्रूवन तो नहीं है, मगर उन्होंने ये देखा गया कि वो हेल्प करते हैं इस बीमारी की सिवेरिटी को कम करने में। उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं और एक कोक्यू एंजाइम है, वो दिया जा सकता है कि वो इस बीमारी के सिम्टम्स को कुछ हद तक कम कर लेता है। और फिर हमारा जो एम होता है वो ये कि एक बच्चे को जितना टर्म के करीब हम डिलीवर करेंगे तो उसमें कम कॉम्प्लिकेशन होंगी और कॉस्ट नहीं बढ़ेगी प्रेगनेंसी की। तो एंटी हाइपरटेंसिव, उसके बाद जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, उसके बाद क्योंकि हमने ये कहा कि इसका वजह ही प्रेगनेंसी है, तो अगर जो खातून है वो इस स्टेज तक पहुंच गई है कि अब उनका बच्चा अगर निकल गया यूट्रस से तो वो सरवाइव कर जाएगा आराम से, तो फिर हम उनकी डिलीवरी प्लान करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही डिलीवर होंगी उनका मेन प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीवरी के बाद भी हो सकता है कि उन्हें ये एक्लेम्सिया हो जाए, वो एक छोटी सी परसेंटेज है, मगर ज़्यादातर डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि विद न्यूट्रिशंस किया जाता है वो, कि वो अभी प्रूवन नहीं है लेकिन फिर भी रिजल्ट्स उसके आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो CoQ10 है इसके बारे में प्लीज बताइएगा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को आपके असिस्टेंट्स, आपके डॉक्टर्स, आपके फिजिशियंस और जिनका ताल्लुक मेडिसिन से है वो सब सुन रहे हैं, और उसके अलावा वालदैन भी सुन रहे हैं, माएँ भी सुन रही हैं, देख भी रही हैं। तो प्लीज बताइएगा CoQ10 के बारे में, इसकी क्या फायदे हैं, मेडिसिन में किस तरह ले सकते हैं और मेरी आवाज आप तक आ रही है? शुड आई कंटिन्यू? स्टॉप हो गया इनका। Karachi, Lahore, Islamabad,
हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेहलो, अक्रॉस पाकिस्तान. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad. के फवाइद बताऊं. CoQ10 जो है ये एक actually it's a nutritional supplement.
ठीक है, ये हमारे हमारी डाइट में होता है. बट द प्रॉब्लम इज के एक तो हमारी डाइट वैसे ही डेफिशिएंट होती है, द वे हम जिस तरह कुक करते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा भुना हुआ फ्राई किया हुआ खाने के आदी हैं. हम सब्जियों को भी अच्छी तरह उनका कलर चेंज करके खाते हैं. तो बीफ में इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लेकिन आम तौर पे देखें लोग समझते हैं कि बीफ खाना जो है वो भी कोई बड़ी बुरी बात है. हालांकि मॉडरेट अमाउंट में जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं वो अगर सब खाई जाएं तो कभी भी गिजाई कमी नहीं होती है इंसान में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है सही डाइट और हमारा पकाने का स्टाइल ऐसा है तो हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. इसका रोल बॉडी में ये है कि जो मैं आमतौर पे औरतों को यूँ समझाया करती हूँ कि जो आपके बॉडी के अंदर जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं उनको निकालने का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है उसमें ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से उन जहरीले मादों को, या हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कहते हैं, जब हम वो हमारी बॉडी में से रिमूव होते रहते हैं हमारे प्रॉपर डाइट की वजह से या प्रॉपर सप्लीमेंटेशन की वजह से, तो फिर अगर किसी को प्री एक्लेम्सिया हो ही गया है तो उसके सिम्टम्स कुछ कम हो जाएंगे. तो अगर किसी की डाइट नहीं है ठीक तो हम, और उसको हो गया है प्री एक्लेम्सिया, तो हम उसको एक्सटर्नली ये दे सकते हैं सप्लीमेंट, और इससे उनको बेनिफिट ये होता है कि उनकी डिजीज़ सीवियर की तरफ नहीं जाती है. लेकिन ये क्योर नहीं है, ये बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि ये क्योर बिल्कुल नहीं है. प्री एक्लेम्सिया का क्योर ये है कि डिलीवरी करा दी जाए, जब डिलीवरी हो जाएगी तो प्री एक्लेम्सिया भी खुद ही ठीक हो जाएगा. सही बात है. ओके, अभी डॉक्टर आपकी अभी गुफ्तगू से एक सवाल ये निकलता है, जाहिर है कि हम आम लोग इसको समझना चाह रहे हैं कि यानी अगर हम भून रहे हैं बहुत ज्यादा, फ्राई कर रहे हैं अपनी सब्जियों को या अपनी डाइट को, फूड को, तो यानी सलाद के तौर पे जो सब्जियां खाई जा सकती हैं वो फिर सलाद के तौर पे जरूर रखने हैं. जिन जिन सब्जियों को हम सलाद में शामिल कर सकते हैं, फूड अपनी जगह है जिसे भून लिया गया और जमाने के लिए भी तो अपने टेस्ट के लिए भी, मेरे ख्याल से ये भी तरीका हो सकता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. सलाद और गांवों में तो मैंने देखा है कि वो लोग रोटी को कच्ची सब्जी के साथ खा लेते हैं ना, तो हरी मिर्च के साथ खा लिया, मूली के साथ खा लिया, या इवन शलजम है तो दिस आई हैव सीन कि वो लोग ये कच्चे भी खा लेते हैं. तो ये इस तरह से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है. जी हाँ. अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो सवाल है वो बिल्कुल आम लोगों वाला है कि वो कौन सी अलामत हैं कि जिनकी बिना पर लोग ये समझ सकें, माएँ ये समझ सकें कि अब वो उनको Q10 की डिफिशेंसी हो रही है और उन्हें अब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, स्पेशली Q10 की ज़रूरत है, वो कुछ कोई ऐसी अलामत प्लीज. वाइटैलिटी अगर इंसान, इसको यूं हम कह लें कि थकन रहना, ठीक है, जिस्म में दर्द होना, अगर ऐसा कोई महसूस कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा, थोड़े से काम के बाद आपको जल्दी से थकन हो जाती है, तो इंसान को सोचना चाहिए कि उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही. हाथ पैर सुन हो रहे होते हैं, सर में दर्द है, थोड़ी खामखा में हो रहा है बिना किसी वजह के, तो ये सिंपल एक आम 18 साल के बाद का कोई भी फर्द जो है वो इसको ले सकता है अपनी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. दूसरा जो सबसे अच्छा इसका यूज़ देखा गया था वो असल में कार्डियक पेशेंट्स पे देखा गया था ना, ये दिल के जो मसल्स होते हैं उनकी सेहत के लिए ये एंजाइम बहुत फ़ायदेमंद है और उसकी वाइटैलिटी को बढ़ाता है. तो अगर कोई भी कमज़ोरी जो महसूस कर रहा है, अपने काम में थकन जल्दी आ रही है, वो इस चीज़ को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट. ड्रॉप हो गया मुझे लग रहा है.
जी यू आर हियर अगेन यस आमीन। तो हम मैंने ये कहा कि वाइटैलिटी आपकी, आपको काम में थकन महसूस हो तो आप समझें कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, और ये इस्तेमाल करके देख ले 18 साल के बाद कोई भी इसको यूज कर सकता है। ओके, अपने लिसनर्स को एंड व्यूअर्स को बताते चले कि यू आर रिसीविंग एफएम 100 पाकिस्तान दानिश मेहदी, प्रोग्राम ऑन एयर है इनफर्टिलिटी एंड प्री एक्लेम्प्सिया, और प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रोफेसर राहील सिकंदर साहिबा। आप FCPS हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, गोया जो जो सीजर करने वाली डॉक्टर्स होती हैं वो हैं आप, इसलिए कि हमें तो मैडम सभी देखते हैं ना, सभी सुन रहे होते हैं, आपके भी डॉक्टर्स होते हैं, शागिर्द होते हैं, हम जैसे लोग भी होते हैं। तो और आप LMC में भी होती हैं, गोया लम्स हैदराबाद में भी होती हैं, जामशोरों में भी होती हैं, और अपने प्राइवेट जो आपके एडवाइजेज हैं वो भी कंटिन्यू रहते हैं। लोग लाखों से ज्यादा हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं हैदराबाद, हैदराबाद के सराउंडिंग में और पूरे पाकिस्तान के सराउंडिंग, बल्कि यूट्यूब और फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया में भी देखा और सुना जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, जिन खवातीन को Q10 की कमी हो जाए, तो अब ऐसी सूरत में आपने सब्जियों का भी बताया और तरीके भी बताए और निशानी बता दी सिम्टम्स की, कौन कौन सी होते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन अगर कोई दवाई लेना चाहे कुछ दिन के लिए, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, चंद एक घंटों के लिए या चंद एक दिन के लिए, मैं तो हफ्ता भी नहीं कहूँगा, तो वो क्या इस तरह कर लेना चाहिए, Q10 की स्पेशली मेडिसिन ले लेनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, मैं ये एडवाइज नहीं करूँगी कि खुद ले लें, क्योंकि देखें अलामात तो बेशक हैं ये, मगर उसकी रीज़न कोई और भी हो सकती है ना। हो सकता है उनमें ये जो थकन हो रही है, वाइटैलिटी कम हो रही है, प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं मगर नहीं हो रही है, तो हो सकता है वजह कोई और भी हो। तो इसलिए मेडिसिन तो मेडिसिन है, बगैर एडवाइस के नहीं लेना चाहिए उसको, बेहतर यही है, ठीक है ना। तो फिर अगर लेना कोई चाह रहा है तो ये कैप्सूल्स आते हैं 50 मिलीग्राम के डोज में, उसको आप 1-2 पर डे ले सकते हैं। और इनका अच्छी बात तो खैर ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ना, तो इनके कोई एज सच साइड इफेक्ट नहीं है। खुद से लेने में कोई हर्ज तो नहीं होगा, हर्ज सिर्फ ये होगा कि अगर इन्हें अलामात की वजह कुछ और है तो वो फिर आप मिस कर देंगे और डिले हो जाएगी आपकी बीमारी की तशखीस, जो कि कुछ और भी हो सकती है। तो इसलिए खुद ना लें तो बेहतर है, इसलिए कि आम लोग जो कर लें, खुद अगर कुछ करना है तो अपनी डाइट इम्प्रूव कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव कर लें, ये चीजें की जा सकती हैं। इसलिए कि कुछ लोग बहरहाल इस न्यूट्रिशन को भी वो दवा ही समझ रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि डॉक्टर तक पहुंचने में चाहे देर हो जाए, बस ये एक दवा है, चलो इसको लेते हैं। आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इस किस्म के केसेस ज्यादा होते हैं, शहरों में जरा कम होते हैं लेकिन इधर भी होते। अच्छा सर, मैडम ये बताइएगा कि क्या जिस तरह इस वक्त वेरिक फार्मास्यूटिकल्स है या FM 100 पाकिस्तान है, ये आगही के लिए बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं, तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ NGOs हैं कि जो लोगों को ये एजुकेट कर रही होती है कि भाई प्री एक्लेम्प्सिया जैसे प्रॉब्लम में नहीं जाना है और किस तरह कंट्रोल करना है? मेरा ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट काम तो बहुत कर रही है हेल्थ सेक्टर में ना, बहुत ज़्यादा काम है, और हमारे जो डायरेक्टोरेट की तरफ से रूरल हेल्थ के ऊपर उन्होंने अपने हर बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर डॉक्टर्स और ये जो मिडवाइफ्स और एक कम्युनिटी मिडवाइफ्स को वो लोग ट्रेन करते हैं, ये कि उन्हें कोर्सेज कराते हैं, एंड दे आर टेलिंग देम अबाउट न्यूट्रिशन ऑल्सो, और बहुत काम हो रहा है सिंध में। तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कम्युनिटी मिडवाइफ को ये प्रिवेंटिव मेडिसिन पर ही काम करवाया जा रहा है, और पहले उन्हें ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें भेजा जाता है कम्युनिटी में ताकि इस मैसेज को वो दे सकें। और माशाल्लाह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा भी है। हमारा जो सेंसस था उसमें मोर देन 83% प्रेग्नेंट लेडीज अब एंटीनेटल करवाती हैं, जबकि एक ज़माना था कि बहुत कम परसेंटेज थी जो डॉक्टर तक आती थी।
लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अपने इस हेल्थ केयर का जाल पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है, छोटी छोटी जगहों पर हैं सेंटर्स, तो इसलिए अवेयरनेस आ गई है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटी को अवेल करते हैं। मेरा हम्बल सा मशवरा सिर्फ ये होगा कि वो लोग जो इन हेल्थ फैसिलिटीज़ पर रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं उनको रिफ्रेशर्स दिए जाएं, उनको उनका उनके CMEs करा के ना उनकी एजुकेशन इम्प्रूव की जाए, नॉलेज या एजुकेशन इम्प्रूव होगी तो दे विल बी पार्ट ऑफ अस, यानी हम जो टीचिंग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो हमारा पार्ट बन जाएंगे इस तरह से, और हम अच्छी डिसमिनेशन हेल्थ मैसेजेस की कर सकेंगे। मुझे तो लगता है उनका बीच में ब्रेक हो जाता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेहलो, अक्रॉस पाकिस्तान, Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelo, across Pakistan. FM 100 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelo, across Pakistan. FM 100 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelo, across Pakistan. FM 100 के पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल के थ्रू प्रोफेसर डॉक्टर राहिल सिकंदर साहिबा आप और आपकी और डॉक्टर साहब ने आपसे कहा है खास तौर पे बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना है, पहले दिन से ही डॉक्टर से कॉन्टैक्ट रहना है, इन टच रहना है, इसलिए कि कंसल्टेंसी आपको ऐसे बता सकती हैं कि आप बेबी किस पोजीशन में हैं, इसी तरह से आपकी बहुत होती रहेगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपसे कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेसर मैडम डॉक्टर राहिल सिकंदर साहिबा, थैंक यू वेरी मच कि आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। और ये आ गई है, ये तो इल्म है, समंदर की तरह होता है, महदूद नहीं होता, इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे लोगों को। अल्लाह हाफिज। Across Pakistan, this is FM 100.